हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर एक्स चैनल। और आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 19 FSN 19। और पिछली एपिसोड में देखा था यार, हमने जो यार कहाँ, चलो भाई दिखाता हूँ आपको। तो आइसर लगाया है, देखो आइसर से कोई बात नहीं बनी। उसके बाद हमने जोंडियर भी लगाया था आपको, आपने देखा भाई जोंडियर ने एक गेड़ा निकाला है। उसके बाद रूटावेटर यहाँ अटक गया था, उसको निकालने खोल के भाई बेट यहाँ पर पड़ा है, तो बेट को साइड में कर दें। तो जोंडियर फिर मैं उसके घर पे छोड़ आया हूँ भाई, जिसका जोंडियर था बिल्कुल ही भाई चला नहीं। और मैंने जो अपना जोंडियर रखा था वो भी बेच दिया भाई, वो एजेंसी वाले को ही दे दिया मैंने। तो अब आज हम यहाँ पर करेंगे 855 जो मैं भाई लेके आ चुका हूँ, उसको मॉडिफाई करवाया, बूफर वाफर का काम करवाया। तो यहाँ पर खड़ा किया मैंने 855 अपना, तो ये खड़ा है। तो मैं अभी मैं चला के लेके अभी छाँव में खड़ा किया था और खाना खुना खाया। तो इसका मैंने जो बम्पर हटवा दिया, आगे से बेट अलग लगवा दिया। ये देखो बेट इंडिकेटर जल रहे हैं इसके। तो बाकी आगे से जगह खाली रख दी मैंने, और एक बेट लगवा दिया आगे बड़ा सा, एक क्वांटल वाइज का बेट है तकरीबन। और दो बिक्कन लगवा दिए, बिक्कन तो पहले से पर अब वो यहाँ पर थे मरगाड़ पर, तो हमने चेंज करवा दिए यहाँ पर। और दो बड़े बड़ी LED सॉरी लाइट लगा दी बड़ी बड़ी, एक पीछे लगा दी। और बूफर सिस्टम लगवा लिया भाई डबल, ये भाई स्पीकर छोटे वाले और ये बूफर दो बड़े बड़े बड़े। तो बाकी तो एक सलेंसर चेंज करवाया मैंने, ये सलेंसर ओरिजिनल 855 का डलवा दिया। और तो कुछ चेंजेस नहीं है भाई, साउंड वगैरह इंजन वगैरह वही है। तो और 4x4 ही है भाई, 2x2 सोच रहा था करवा लूँ। तो एक 855 और मेरा वो खड़ा वहीं पर है, तो उसका मतलब कि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी 855 की। तो जोंडियर तो मैंने बेच दिया, अभी 855 मैंने लेना है। तो एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ चलकर, तो जहाँ से मैंने ये 855 ठीक करवाया था तो वहाँ पर मैंने जोंडियर दिया था। जोंडियर तो अभी बिक गया था, अभी 855 वो मुझे छोड़ गया था कि मुझे जोंडियर दे दो, 855 रख लो। तो मैंने फिर आँख बंद करके दे दिया जोंडियर, यार तेल का खर्चा तो कम था पर पावर के मामले में थोड़ा सा भाई 855 से पावर कम लगाता था, दब जाता था, जल्दी दबता था। तो एक मिनट यार, इसकी साउंड काफ़ी कम आ रही हुई यार, साउंड तो ठीक है सब, व्हीकल की भाई साउंड कम है। तो वो खड़ा है एजेंसी में ही तो मैंने खुद खड़ा किया है वहाँ पे यार, उसका काम पर काम वगैरह करवाना है। तो मैंने सोचा अभी घर पे लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके यार टायर भी जो उसने 12x4 28 के डलवाए हैं, आइसर के टायर लगाए हैं। इसकी भाई लाइटिंग शाइटिंग सब ठीक करवाई, यहाँ पर ही करवाई मैंने अपने दोस्त से ही, वो खड़ा भाई 855। तो जो जोंडियर का बट्टे लिया मैंने, मैंने एक रुपया नहीं लिया यार उससे, मैंने कहा भाई ले जा बस ले जा। तो उसके पास 855 था स्वराज, ये है उसका स्वराज 855, 4x4 नहीं है ये, तो 4x4 नहीं है। इसके बड़े टायर डलवाए आगे, आप देख सकते हैं 4x4 नहीं है, एक्सल 4x4 का है। और टायर यार इसके काफ़ी छोटे हैं, देखो यार आइसर के टायर डाले थे उसने, और गैप काफ़ी कम है। तो मैंने यार यहाँ पर ही खड़ा कर दिया ये। और बाकी इसकी पावर स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग पावर है इसका, बाकी नॉर्मल छोटा सा ट्रैक्टर है यार, इससे थोड़ा छोटा मॉडल का है तो सही है, पर हाइट के मामले में थोड़ा सा ये बड़ा 4x4 है। और भाई इसका प्राइस 1 लाख ज़्यादा, इसका कम है। पावर स्टेयरिंग है पर इसका यार मैंने क्या करवाया है, मैंने यार यहाँ पर खड़ा करवा दिया। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, इसके टायर है जो मुझे नहीं अच्छे लगे, मैंने उससे कहा भाई इसके टायर बदल कर, हो सके तो इसके टायर बड़े डाल देना जैसे 855 के, क्योंकि टायर का ही भाई सब रोल होता है। तो इसके टायर की गैप को थोड़ा सा बाहर निकालवाना है, तो ये सब काम करवाना है। और लाइटिंग अभी इसकी कुछ भी नहीं जलती है, लाइटिंग शाइटिंग मारे जा रहे हैं भाई, सभी कुछ जला हुआ है ट्रैक्टर का। तो वो उसको मैंने जोंडियर दे दिया और ये परचेज़ कर लिया। और यहाँ पर ही थोड़ा सा चलवा के बताऊँ आपको, तो देखो एकदम मस्त चलता लाइट शाइटिंग भाई, इसकी जलती नहीं। तो इसको देखो पावर स्टेयरिंग एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, सब कुछ लाइटिंग वाइटिंग भाई लगनी है इसकी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा इसके टायर सेटअप, देखो कितने ज़बरदस्त हैं, सिंपल रखेंगे इसको सिंपल। तो 1x155 ये देखो भाई फुल मॉडिफाइड, यहाँ से ही मैंने स्पीकर वगैरह लगाया इसमें, और स्पीकर वगैरह रात में दिखाता हूँ आपको लाइट शाइट इसकी, अभी पता नहीं जलेगी कि नहीं। तो ये देखो भाई लाइटिंग जली है स्पीकर में, बूफर में, और 855 की लाइट पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई देखो। चलो अभी बातों को छोड़ें यार, अपना काम करें मेन, जो
तो कल तो हुआ नहीं कुछ यार, क्योंकि जोंडियर था मेरे हाथ चढ़ा, तो जोंडियर से बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई की यार, ट्रैक्टर दब रहा था बहुत ज़्यादा, रूटावेटर में मेरा रूटावेटर था वो, तो फिर 855 मैं आज लेके आ गया हूँ। तो वो उसने कल रात को ही काम कर दिया था 855 का, सब कुछ सर्विस वगैरह कर ली। तो 855 खोला था उसने, बीच में से क्लच प्लेट इसकी डली है नहीं, एक दिन भाई ज़्यादा जोर लगा दिया उस वजह से क्लच प्लेट ही उड़ गई थी इसकी। तो साइलेंसर देखो यार कितना ज़बरदस्त लग रहा है, पहले वाला थोड़ा लंबा सा तो हटावा दिए वो, मुझे यार सिंपल चाहिए था 855 वो मैंने करवा लिया, बाकी एकदम प्रॉपर काम कर रहा है अभी तक, तो कोई कंप्लेन नहीं आई उसके काम करने का, तजर्बा है भाई काफ़ी अच्छा है। तो चलो भाई रूटावेटर तो पड़ा हैरों थोड़ी सी हैरों फेर लेते हैं, फिर रूटावेटर फेर लेते हैं। आइसर के पीछे भी डाला था हमने कल, डाला था नहीं चला था वो आइसर, ये खड़ा मेरे दोस्त का, मैंने छोड़ा ही नहीं उसके घर में, इसको उठा लें यार लिफ्ट को, यार लिफ्ट ही नहीं उठा रहा है टक्के। अच्छा यार ये खोला मैंने, इसको थोड़ा सा साइड में लगा लेते हैं ट्रैक्टर को भी। देखो भाई ये आइसर इतना हल्का है भाई, एक इंजन ही है आगे तक, तो इसको यहाँ पे ही लगा लेते हैं यार, इसको छोड़ना भी पड़ेगा वहाँ पे। चलो बिक्कन चला के बता दूँ भाई, बिक्कन एकदम प्रॉपर काम कर रहे हैं इसके, ये देखो डबल डबल लगवाएं। और रूटावेटर ये पड़ा है भाई अपना, मैंने एक गेड़ा लगाया था 855 से ही, तो वहाँ पर जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एक ट्राई की थी भाई इंजन इसका अभी करवाया नहीं, सर्विस करवाई थी, तो देखना भाई कैसे भाई गोली बनाएगा ये 855। किस खेत में जा रहा है तो पीछे से करते हैं यार, कल रह गया था ये, उसको मैंने पहले कहा था भाई कोई फ़ायदा नहीं यार जोंडियर का, अभी 855 देखना कैसे रेल बनाएगा रूटावेटर की। देखो ले भाई कल तो भाई जोंडियर ने बहुत ज़्यादा मेरे को तंग किया है, देखा ही होगा आपने वीडियो में यार, कभी भाई उसका कुछ जाम हो रहा था, कभी कुछ जाम हो रहा था, मतलब चल ही नहीं रहा था यार सभी, कल मतलब दिन ख़राब करवा दिया सर मेरा ब्लैक, मेरे पास भी जोंडियर था, मैंने आपको पता ही अभी हफ्ता भी नहीं हुआ भाई उसको ले, उसको एक दो बार मैंने चलाया नहीं चला भाई, बहुत ज़्यादा दब रहा था ट्रैक्टर, बहुत ज़्यादा दब रहा था, मैं भाई बिजनेस मैन हूँ, मैं फार्मर हूँ यार, फार्मर को भाई ये नहीं कि भाई उसका काम रुके तो उसी वजह से मैंने यार अभी सीजन का टाइम भी है थोड़ा बहुत, तो जोंडियर मैंने सोचा था रखूँगा, पर नहीं यार उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, सभी ट्रैक्टर तकरीबन मैंने चला के देखे हैं 855 है जो कि मुझे ठीक लगा है, दबता कम है, दबता है यार ये बात नहीं कि दबेगा नहीं, दबता है किसी किसी वक्त पर इतना नहीं दबेगा जितना तेल भी पिएगा ना वहाँ पर जाके यार ट्रैक्टर का जब जोर लगेगा। तो उसका मैंने ब्लैक जोंडियर था छोड़ा है घर पे, उसको बोला भी दो चार मैंने भाई इसको बेच ले और कुछ अच्छा सा ले ले, पता नहीं अभी गौर करेगा कि नहीं, तो 855 को कोई परवाह नहीं यार, आराम से चल रहा है वो यार, धुआँ सुआँ तो भाई अभी भी बहुत ज़्यादा मार रहा है तो दो खेत है इसके, एक उस तरफ है वो पहले से कल्टीवेटर किया था, उसको ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी घास वगैरह फिर से आने लग पड़ा है, तो दो खेत मुझे करने हैं अभी, तो ये तो हो चुका है, इसमें गोबर डाल दिया है यार, ये यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर गोबर डाल दिए, यहाँ पर यार थोड़ा सा जो गीलापन है जगह है ना, जो गीलीपन है यहाँ गीलापन है, ट्रैक्टर हर दबता है यहाँ पे, और गोबर डाला है, गोबर से हर ट्रैक्टर जो स्लिप निकालेगा आपको पता ही होगा और कल यहाँ पे लगा देंगे भाई हम फसल उसकी, लोगों का भाई देखो फसल है जो पकने वाली है और लोगों ने अभी तक लगाया ही नहीं कुछ, तो ये 12 फुट रूटावेटर नहीं है, तकरीबन 17 फुट का होगा मेरे ख्याल से ये तो गाने साने लगा लेते हैं थोड़े बहुत, बूफर तो लगा ही है, पंजाबी भी लगा सकते हैं, पर एक्चुअली बात ऐसे है भाई कोई स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए, पंजाबी दिखा देता हमको, ये देखो भाई पंजाबी चमकीले के हैं तो चमकीले के तो हम लगाएंगे नहीं, पर ड्राइवर को भाई पता ही है कौन से सुनता है, भाई मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है यार, मैंने हिंद 99 है उसको भी नहीं धोया अभी, और एक कंबाइन और भी लानी है यार, वो भी भूल गया हूँ मैं यार, कंबाइन लेने भी चलेंगे यार किसी वक्त प्रीत 987। तो यहाँ पर जो मेरा एरिया है वहाँ पर दो ही मॉडल की हिंद 99 और प्रीत ही मिलती है मॉडल की,
अगर कोई और मॉडल की चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाऊंगा तो भाई आधे टायर जो ख़त्म ही हो जाएंगे आते आते, और किराया दूंगा तो उतना डबल किराया पड़ जाएगा। चलो तो एक गेड़ा रह गया बस, ये यार बेट ने ना सत्यानाश कर दिया यहाँ पे। देखो भाई गीलापन इतना है ना यहाँ पे, ट्रैक्टर जो चलता ही नहीं यार, ऊपर से गोबर डाला है वो तेरी की। बेट इसमें डबल है, इसकी वजह से ट्रैक्टर अच्छा परफॉर्मेंस देता है यार, स्लिप कम निकालता है। ये तो अपना फील्ड हो गया एक, और रहा वो खेत, उसको डबल कल्टीवेटर करना है, उसके बाद अपना काम खत्म। कल लगाएंगे यहाँ पे, उससे पूछ लेंगे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, क्योंकि तो उसने फसल भी मेरे से लगवानी है, मेरे ट्रैक्टर से ही। देखेंगे यार आइसर का तेल मैं उससे बात कर लूँगा अपने दोस्त से कि ड्रिल चलानी है, तो अपना ट्रैक्टर इतना कर लेंगे, तो पीछे से तो मैं उतना ही रेट लूँगा, और 855 के तेल का जो खर्चा बचा लूँगा। तो वो उसका खेत है यार, तो ये पहले से किया कल्टीवेटर उसी ने किया था, तो उसने रूटावेटर नहीं फेरा था, कल्टीवेटर किया था। तो दो बार जो होता है यार भाई, दो बार फसल जो कि करने से फसल काफ़ी अच्छी होती है। अभी देख लो ज़मीन है जो भाई सख्त है ना भाई, काफ़ी टाइम हो चुका है, सख्त हो चुकी है इसकी ज़मीन फिर से। और उसके पास जो था तरबूजा दस्ता यार, वो 11 हल खींचता था, दब रहा था, मैंने एक दिन चला रहा था वो सामने देख रहा था, तरबूजा दस्ती था वो ट्रैक्टर दबता था, पता नहीं क्यों लीवर ज़्यादा लगा रहा था मेरे ख्याल से वो। तो कल अभी लगाएंगे फसल, अभी उसने पता नहीं गोबर एक में क्यों डलवाया, एक में नहीं डलवाया, मेरे ख्याल से उसके घर में गोबर नहीं है। और या तो टेस्टिंग करेगा भाई कि जिसने गोबर डाला उसकी फसल कैसी होगी, कोई पता नहीं अभी भाई, मैंने पूछा नहीं उससे गोबर क्यों डलवाया। तो लोगों की देखो पकने वाली है, और भाई घास भी चल रहा है ना, तो इन्होंने स्प्रे करवाई अभी। तो ये जो फसल है ये मेरे क्या छोड़ना भाई, राइज लगाए हैं सभी ने यहाँ पे राइज। तो कणक तो पिछली बार हमने काट दी थी, अभी इस बार राइज है जो लगाए हैं, किसी ने राइज लगाए हैं, किसी ने भाई सूरजमुखी के फूल भी लगाए हैं, गन्ना भी लगाया है। गन्ना हमारे एरिया में कम ही लगाते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि गन्ना काटने वाली कोई मशीन ही नहीं है यहाँ पे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भाई, बाहर से आदमी बुलाने पड़ते हैं गन्ना काटने के लिए, जो भैया होते हैं भाई यूपी वाले बिहार वाले। तो उस साइड बाद में करेंगे, उस साइड थोड़ा सा पंगा है यार उस जगह में, ये ट्रांसफार्मर से लगा है भाई, एक तो यार पता नहीं ट्रांसफार्मर लगवाया है उसने खेत में, इसको उखाड़ के फेंको यार। दूर से आपको दिख रहा होगा भाई, जो कल्टीवेटर किया दूर से देखना, ये देखो दिख रहा होगा आपको, और ये जंगल भी साफ करना पड़ेगा यार, काफ़ी पेड़ है यार यहाँ पे। क्रिसमस ट्री नहीं, यही होते हैं ना भाई क्रिसमस ट्री, यही है, ये तो काफ़ी लंबे हैं। तो हमने तो भाई मक्का लगा दिया वहाँ पे, अभी एक हफ्ते बाद काटने वाला हो जाएगा मक्का अपना, तो छिड़काव करना है उस पर, स्प्रे करनी है सभी खेत में एक बार में करेंगे स्प्रे। मक्का लगाया, मक्का मतलब कि हमें मक्का की वो ही चाहिए भाई, मक्की का चारा डालना। लो भाई हो गया, वो थोड़ा सा रहा सामने, एक मिनट यार ये गेम फिर लैग हो गई। पीछे यार पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है यार, चलो भी सही हो जाएगा ये। तो इसके यार यहाँ पे पेड़ की वजह से यार मैं कंबाइन भी यार यहाँ पे नहीं लेके आता हूँ, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है इसके खेत में, शीशे वगैरह लगा लिए हैं, तो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। लो भाई इसका खेत तो हो गया, रूटावेटर भी अपना है,
तो ट्रैक्टर भी उसका था। ट्रैक्टर का मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मैंने कहा तेल के पैसे दे देना बस। उसका जोंडियर चला ही नहीं यार खेत में, उसको पूछना पड़ेगा भाई ट्रैक्टर चाहिए नहीं है तो देख लेना, क्योंकि अभी ट्रैक्टर बेचे हैं ले हैं मैंने भाई, इतने बिजनेस किए मुझे अभी थोड़ा सा तजर्बा हो चुका है भाई कैसा ट्रैक्टर चलता है यहाँ पर। देखो मेरा दोस्त भाई आइशर ही रखता है, वो आइशर में इतना दम है ना, तेल तो भाई सूंघ के चलता वो। पर उसने यार जो हल रखे हैं, 9 हल रखे हैं, 6 फीट का रूटावेटर है साथ का, इम्प्लीमेंट छोटे छोटे हैं उसके, उसी वजह से टाइम भी ज़्यादा लगाएगा। चलो यार ये तो होगा, अभी ट्रैक्टर को हम यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, घर पे लेके चलते हैं ट्रैक्टर को यार। घर पे लेके चलते हैं, बाहर नहीं लगाएंगे क्योंकि कल हमें फिर आना है यहाँ पे, तो कल और तरीके फंस गया। ये फंस पता नहीं कैसे जाता डॉक्टर, ये तो भाई फंस गया यार पता नहीं कैसे। अरे तेरी की निकल गया। तो पता नहीं भाई तार तूर वगैरह थी वहां पे, तो ट्रैक्टर और रूटावेटर को अंदर ही लगा लेते हैं यार बारिश का मौसम है, और आज का एंड करते हैं यहाँ पे और कल चलेंगे, दूसरा ट्रैक्टर भी ले आएंगे। चलो तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी एक नया एपिसोड लेके, तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम।